आर यू इन टू एडवेंचर ट्रैवल और आप ढूंढ रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहाड़ों में जाने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू द पंजाबी बॉन्ड्रोज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ले खारदुंगला या फिर कुंजुम काजा की बातें नहीं करेंगे, बिकॉज वो ट्रिप्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव ट्रिप्स के बारे में, कुछ एक्सक्लूसिव प्लेसेस के बारे में जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में देखी हैं और अभी रिलेटिवली बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरी सबसे फेवरेट जगह के बारे में, जिसका नाम है माउंट कोम्बू रामचंद। सो व्हेन यू एंटर जंस्कार फ्रॉम लाहौल साइड, तो अभी अभी नया रोड खुला है, मतलब 2 साल हो गए खुले हुए शिंखुला को। तो शिंखुला अर्लियर पीपल यूज़ टू क्रॉस इट ऑन फुट ट्रैक करके, लेकिन रोड अभी अभी खुला है 2 साल पहले और मैं 2 साल में 2 बार जा चुका हूँ, बिकॉज आई लव दिस प्लेस। शिंखुला जब आप डिसेंड करते हो, जब आप क्रॉस करके नीचे उतरते हो, देन यू सी दिस आइकॉनिक माउंटेन विच इज़ द माउंट कोम्बू रामचंद, और उसके सामने से सुंदर सी नदी बह रही है एंड दिस इज़ अ होली माउंटेन एक्चुअली। और मतलब आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दिस माउंटेन कि हमारा ये था कि नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो वील स्टे हेयर। सो जब हम दूसरी बार हमने जो ट्रिप करा, सो वी स्टेड राइट अंडर दिस माउंटेन। सो दिस इज़ एक्चुअली द ले मनाली हाईवे ओनली। जब आप मनाली से आ रहे हो, ले की तरफ जा रहे हो, तो दारचा से एक अलग रास्ता कटता है, यू गो टू जंस्कार सुमदो एंड देन शिंखुला आता है, शिंखुला क्रॉस करके यू एंटर जंस्कार एंड देर यू सी दिस माउंटेन। अब मैंने अपनी दोनों जर्नीज के व्लॉग्स बनाए हैं, आई लिंक देम अप इन द डिस्क्रिप्शन और मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच दी व्लॉग्स। ओके, सो द सेकेंड वन ऑन द लिस्ट इज द्रांगद्रुंग ग्लेशियर। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन दिस रीजन, नेक्स्ट ओनली टू सियाचिन। सियाचिन के बाद दूसरे नंबर पर ग्लेशियर आता है ये, और ये 23 किलोमीटर्स लॉन्ग है, मतलब इट्स रिसीडिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट स्टिल व्हेन यू सी इट ना वहाँ से खड़े होकर, अब जब देखते हो उसको रोड से, इट्स फिनोमिनल। और दिस लाइज नेक्स्ट टू पेंजिला। पेंजिला इज ऑल्सो नोन एज द गेट वे टू जंस्कार। अब ये जब आप करगिल से आते हो, व्हेन यू एंटर जंस्कार फ्रॉम करगिल साइड, तो पेंजिला क्रॉस करना पड़ता है, 14,500 फीट है शायद पेंजिला, एंड पेंजिला पे लेक्स भी हैं एक दो, और जस्ट उससे नेक्स्ट आपको दिखता है द्रांगद्रुंग ग्लेशियर। एक्चुअली हमने जब इस लास्ट ट्रिप पे करा था, तो हमने जंस्कार से करगिल गए थे, तो रास्ता इज़ लाइक कच्चा रास्ता ही है पूरा, आपको कहीं रोड ऐसे लाइक टामैक नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, सारा कच्चा रास्ता है। बीच में एक ब्रिज भी आता था, बहुत ही रिकेटी सा लगा था हमें कि टूट टूट जाएगा, एंड थोड़ा सा प्लेन एरिया आता है, एंड देन यू नो सीधे आप चढ़ जाते हो पहाड़ के ऊपर, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यू स्टार्ट सीइंग द द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, और थोड़ा सा और आगे जाके यू क्रॉस द पेंजिला एंड देन यू कैन गो टू रंगदुम एंड देन यू नो करगिल एंड ऑल। सो इसका भी व्लॉग है चैनल पे, आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन एंड पुट अ कार्ड अप देयर अगेन एंड यू कैन गो एंड वॉच द व्लॉग एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड टू द नंबर 3 विच इज़ द फुक्तल मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री ऐसी कुछ चुनिंदा मोनेस्ट्रीज में से है इस रीजन में, जहाँ पर कि अभी तक रोड नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 दिन ट्रैक करना पड़ेगा, इस जस्ट 2-2.5 घंटे का ट्रैक है। तो जैसे हमने बात करी थी नंबर 1 गोम्बोरंजन क्रॉस करने के बाद आता है कुर्गिया, क्रॉस करने के बाद आता है पूर्णे, तो पूर्णे से रास्ते 2 बट जाते हैं, एक जाता है पदुम की तरफ और एक जाता है फुक्तल मोनेस्ट्री की तरफ। थोड़ा सा ड्राइव है, बहुत ही कच्चे से रास्ते हैं, बहुत ही मतलब डर लगता है देख के, मतलब उन रास्तों पर इतने नैरो रास्ते हैं, एंड देन यू गो अप टू सम पॉइंट एंड वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके यू हैव टू वॉक फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट। बीच में एक ब्रिज भी आता है बहुत सुंदर एंड वेरी ब्यूटीफुल टर्कोइज वाटर्स, जो नदी बहती है वहाँ पे, और यू क्रॉस दैट ब्रिज एंड देन देयर इज़ द मोनेस्ट्री। ये जो रास्ता है वो तो सुंदर है ही, एंड देन व्हेन यू गो टू द मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री के अंदर जाके
जो वहाँ से नज़ारा है सामने सामने नदी बह रही है नीचे, हम एक्चुअली गए थे ऑटम सीजन में, तो इट वाज ऑल येलो लीव्स एंड ऑल येलो ट्रीज एवरीथिंग, बट आई एम श्योर किसी भी सीजन में जाओगे आप तो नज़ारा सुंदर ही होगा। इसका व्लॉग भी है, लिंक इट अप इन द डिस्क्रिप्शन एंड पुट अ कार्ड, यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल। और डे नंबर 4 विच इज़ शिपकिला, तो शिपकिला लाइज इन किन्नौर। जब आप शिमला रामपुर होते हुए स्पीति जा रहे होते हो तो रास्ते जगह आती है खाब, तो खाब के आसपास ही रास्ता मुड़ता है आपके राइट हैंड साइड पे। तो एक्चुअली सिर्फ शिपकिला नहीं, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग जगह है ताशीगंग। सो पहले हम ताशीगंग गए, सो ताशीगंग इंटरेस्टिंग इसके रास्ते की वजह से है, मतलब बहुत ही रॉ रास्ता है, लाइक इट्स अ स्ट्रेट माउंटेन एंड उसके ऊपर से zigzag रास्ता है, वेरी स्केरी। मतलब हमने रात में हम चढ़े थे ऊपर, तब हमें दिख नहीं रहा था कि कितना मतलब फॉल कैसा है, क्या नहीं है, रास्ता कैसा है, बट देन जब हम सुबह नीचे उतरे और जब हमने रोड के उस साइड से देखा कि यार इस पे चढ़ के हम ऊपर के ताशीगंग गए थे, सो देन वी रियलाइज़ कितना स्केरी रास्ता था। तो एनीवेज ताशीगंग आप जाते हैं तो ताशीगंग पे लाइक एज सच कुछ नहीं है, देयर इज़ अ स्मॉल विलेज एंड देन देयर इज़ अ मोनेस्ट्री एज वेल आई गेस। सो मतलब लेकिन हाईलाइट जो है वो रास्ता है, एंड देन यू हैव टू कम डाउन और वहाँ से नामग्याल करके गांव है, वहाँ से रास्ता चल जाता है शिपकिला की ओर। अब शिपकिला एक्चुअली मतलब आप ऐसे नहीं चले जाओगे कि इस दिन आपका मन किया और आप चले गए, यू हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम द ITBP। लकीली हमारे साथ एक बंदा था जिसके पास जिसके कॉन्टैक्ट से कुछ एंड ही अरेंज फॉर द परमिशन और हम गए शिपकिला। लाइक वी वर नॉट अलाउड टू शूट एंड ऑल वीडियोज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह, लेकिन लाइक वी कूड एक्चुअली सी कि ओके दिस इज़ द इंडिया साइड एंड दिस इज़ द चाइनीज़ ऑक्यूपाइड तिब्बत साइड। और हमें बताया वहाँ पे मिलिट्री वालों ने कि कैसे ट्रेड होता है यहाँ पे, लाइक हमारे सामने ही खच्चर जा रहे थे उस पर सामान था, एंड देन दे टोल्ड अस कि यहाँ पे चेकिंग होती है सामान की एंड देन खच्चर जाते हैं उधर जो पहली पोस्ट है तिब्बत में चाइना की, एंड सिमिलरली वहाँ से सामान इधर भी आता है। या दैट वॉज अबाउट दिस पास, इसका भी अलग से व्लॉग है, आई लिंक इट अप, यू कैन गो एंड वॉच दैट। अब जो लास्ट नंबर 5 पे जो है वो बहुत रिसेंटली मैंने कवर करा है 2 महीने पहले ही, द न्यू कैलाश मानसरोवर रूट। सो कैलाश मानसरोवर रूट जो रोड से रूट था वो पहले बहुत ही वो चाहता था घूम के सिक्किम से घूम के, देन यू हैव टू लाइक ट्रेवर्स ऑल द तिब्बत एंड देन रीच मानसरोवर कैलाश मानसरोवर, लेकिन अभी उत्तराखंड से लिपू लेक पास जो है वहाँ से रोड जो बन रहा है अभी, मतलब काफ़ी अच्छा हाईवे बन रहा है, सो लेकिन अभी हाईवे नहीं है, सो अभी इट्स वेरी एडवेंचरस टू गो ऑन दिस रूट। सो एक्चुअली जो ये पूरा रास्ता है वो जाता पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर के पैरेलल ही है, सो लाइक मोस्ट ऑफ द रूट यू कैन एक्चुअली सी नेपाल कि ऐसे पहाड़ जा रहा है, इस पर रास्ता जा रहा है, रोड जा रहा है, नीचे नदी है एंड देन दिस साइड नेपाल है। वेरी एडवेंचरस रूट, मतलब आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ज़रूर करें, लेकिन लिपू लेक पास तक जाने के लिए यू हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम धारचूला। सो धारचूला इज़ अ टाउन उत्तराखंड में, मतलब सिटी ही है, एंड धारचूला से परमिशन लेके यू कैन एक्चुअली गो अप टू द लिपू लेक पास। हम नहीं जा पाए लिपू लेक पास तक बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स एंड ऑल, और यहाँ पे काम चलता रहता है, सो अभी तो क्योंकि रोड बना भी नहीं है, सो रास्ते में बहुत बार काम चल रहा था रोड पे तो रोड्स बंद ही थी, लेकिन या यू कैन प्लान इट आउट, यू कैन लाइक मेरे ख्याल से संडे को नहीं चलता है काम, सो संडेज को यू कैन गो ऑल द वे टू लिपू लेक पास, लेकिन विद द परमिशन फ्रॉम धारचूला, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एट धारचूला। ओके, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक डेट। इफ यू लाइक डेट लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम @redd_punjabi_wanderer and don't forget to press the bell icon after you subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Goodbye.